तो भाई आज मैं मैनेजमेंट बनाने में काफी ज्यादा बिजी था, तो मैं समय से ब्लॉग बना नहीं पाया हूँ। तो अपन ने थ्रेशिंग का काम स्टार्ट कर दिया है, और एक आज अपने मास्टर सोनाली का भी है, और इसको मैं शायद प्लाउ पे भिजा रहा हूँ। तो इसमें अपन डीजल डाल लेते हैं और इसको प्लाउ पे भिजा देते हैं। अपन आज न्यू हॉलैंड और सोनाली का 35 DI 35 से काम करेंगे, और उससे ट्राली ढोड़ों को लाएंगे, ट्राली फंसा ले। तो भाई इसको भिजा दिया है प्लाऊ के लिए, प्लाऊ फंसा के प्लाऊ करने के लिए निकल जाएगा, और आज अपने लिए इसको खाना वगैरह देने के लिए जाना पड़ेगा। और बस धनाधन से काम चलाते हैं, इस ट्रॉली को खाली करते हैं और दूसरी भरने के लिए चलेंगे। चलते हैं ट्रॉली भरवा के लेके आते हैं। तो भाई जब गड़ाइयों का गेहूं उठ गया है, वहां पे सिर्फ 4 ट्रॉली गेहूं निकला है, और अब अपन ये सामने जो आपको खेत दिख रहा है देखो, उसका गेहूं उठाते हैं। सोयाबीन पे पानी चल रहा है, और एक ट्रॉली में अपन ने इतना भर लिया है, काफी सारा भर लिया है इस भाई। तो चलते हैं, इसको खोल के आते हैं, दूसरी को लेके आते हैं। आज अपने पास मैसी है नहीं, 3600-2 है नहीं। तो भाई ये ट्रैक्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, अपन को हाथ से उठा के आगे खींचनी पड़ती है। मैं हूँ, एक विमलेश ड्राइवर है और मेरे भैया है, तो अपन इसको खींच के कर देते हैं तो बन जाता है काम। ये क्या है, ये एक्सीलेटर वाल्व टूट गया इसके क्या? व्हाट द फक मैन। तो चलो एक ट्रैक्टर लेके आते हैं 5310। चलो भाई इसको भी लेके ही चलते हैं, वैसे मैं तो भाई शाम तक कम्बर टूट जाती। मॉर्निंग हाफ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, गेहूं भी बढ़िया ही निकल रहा है, अच्छा कोल्ड साइड चलाने का। इवनिंग हाफ एज भी स्टार्टेड, और चलो बढ़िया जोरों शोरों से काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा गेहूँ काटने का ट्राई करेंगे। सोनाली का भी निकाल दिया, जॉन डीयर को भी लेके चलते हैं। अभी पहले अपन एक कोई ट्रॉली भरवा लेंगे और थ्रेसिंग का काम स्टार्ट कर देंगे। चलो 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 चलो, और अब मैंने इनमें 4-4 सपोर्टर वाली लकड़ी लगा दी है। देखो 4-4 सपोर्टर वाली लकड़ी लगा दी है, ताकि गेहूं के बंडल गिरे ना ज्यादा देर ट्रैक्टर चलाएं तो भी। अगर आपके खेत में है बोर, तो आप किसानी से नहीं होगे बोर। तो भाई यहाँ का आज अपन गेहूं उठा लेते हैं, और जितने का गेहूं उठ जाएगा उतने में अपन कल्टीवेशन कर देंगे रात को, या तो मैसी से करेंगे या तो हॉलैंड से करेंगे। नन्ने एक ट्रॉली भरवा के भेजा दी है, जो नहीं भरने अपना दूसरी जगह चल रहा। देखो प्यारे, बात तो यह सही है कि जो देखता है वही बिकता है। काहे कि मनमोहन सिंह ने इतने काम कराए हैं, इतनी पे बनाई है योजनाएं, मनो उन्होंने कभी अपनी फोटो नहीं लगाई हो योजना पे। जैसे मोदी जी गैस दे थे, तो पहले गैस के ऊपर झूलना बजा वाली फोटो आते है। जैसे वो अनाज मनाज दे थे, ये अनाज देवी वाली पूरी मनमोहन सिंह की यहाँ जी योजना है, जो नरेगा अरेगा जी सब पूर्ण मनमोहन सिंह ने बनाई थी। उन्हें कभी अपनी फोटो नहीं लगाई, तो आदमी सोचा था कि उन्हें नहीं बनाई। मोदी जी जैसे क्या है, मोदी जी ने अच्छी बड़ी फोटो लगवाई अपनी ऊपर की, अच्छी बड़ी है एक नंबर है, ऐसी फोटो खेचे जो हम हैंडसम लगे वो फोटो लगा दी, तो आदमी सोचा लगे कि जी मोदी जी ने बनवाई, जबकि जी मोदी जी ने नहीं, मनमोहन सिंह के टाइम से चली आ रही है, मनमोहन का फोटो नहीं लगाई। तो जो देखता है वो ही देखता है, तो आदमी ने समझ लगी तो सब मोदी जी ने बनाई है, और मोदी जी ने ऐसी ऐसी उल्टी सीधी योजनाएं बनाई है। कहा बताए कि जो कोई दी नहीं गिर जो कोई काम आई गिर आगे करे, याद बहुत आते हैं मुझको तुम्हारा अपना गाँव। लो जी सर, अब भरी थोड़ी बढ़िया सी ट्रॉली, बहुत सारे लोगों ने उसको देख लिया है, मुझे नहीं पता कितने हजार लोगों ने देख लिया है, और हाँ बहुत सारे लोगों ने देख लिया है। भूसे का ढेर चेक करो, दो इसकी दो चोटियां हैं, अगर एक चोटी होती तो बहुत ऊंचा होता। पहले अपन ने उस साइड थ्रेसिंग की, अब इस साइड कर रहे हैं।
चलो चलते हैं। तो जी सर आज का काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, एक ट्रॉली और वहां पे वो लोग भर रहे हैं तो बोल लेके आते हैं, बाकी का काम कल कंटिन्यू करेंगे। एक ट्रॉली और काट देते हैं फिर चलेंगे घर पे। तो जी सर लास्ट ट्रॉली भी आ गई है और थोड़ी देर में अपन हो जाएंगे फ्री और मैं एक थंबनेल निकाल लेता हूँ ऐसे करके, ये सही रहेगी है ना। चलो जी सर चलते हैं, बोरियाँ वगैरह इसमें भी भर ली है, सोनालिका में भर ली है और 47 का भी निकाल दिया है। मुझे लगा है भाई बहुत जोर से भूख के आई है तो घर पे चलते हैं, कुछ खा पीते हैं और नाजने वाजने चल रही हैं और अपने लिए क्या करना है घर पे चलना है और 47 में कल्टीवेटर फंसा आगे। और रात को पहले मैं खाना पीना खाऊंगा, बहुत भूख लगी भाई आज तो लफड़ा ही हो गया, मैं अच्छे से खाना खा के आया नहीं था घर से और आज तो जान ही निकल गई, कुछ काम भी ढंग से नहीं हुआ। अगर मैं खाना पीना अच्छे तरीके से खा लेता हूँ तो फिर देखो भाई काम। इसमें अभी जितनी अपन ने गेहूँ की कट्टी काटी है इसमें 10 कट्टियों का इजाफा हो जाता अगर मैं आज अगर अच्छे से खाना पीना खा के आ जाता। आज मैं इधर से गया, मैंने खाना थोड़ा और खाया और सो गया और उठ के सीधा खेत आ गया। तो आज रात को अपने लिए कल्टीवेशन भी करना है तो ऐसे 10-11 बजे तक करेंगे, उसके बाद बाकी का बाद में देखेंगे। बोरियाँ बोरियाँ खाली कर दी हैं, मैसी भी आ गया है वापस, थ्रेसर है को इधर चला दे पीछे, वो पीछे कर ले पीछे है भाई वो सर। चलो जी सर अब मैसी को लेके चलते हैं खेत, इससे करेंगे अपन कल्टीवेशन। मैं 47 को नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ गाने वाने सुनने का सिस्टम है नहीं, तो अपन मैसी को ले चलेंगे, पहले इसको हटाना पड़ेगा तब तक तो जाके मैसी निकलेगा, इसको हटा के बाइक बाजू में लगाते हैं। ये भी आ गया भाई, इसकी तो जिंदगी खराब हो गई जब से रीपर फंसा है। अच्छा लूरे पहले भाई इसको कुछ खिला पिला लेते हैं तो डीजल डाल लेते हैं। और अभी इसमें एक लाइट नहीं थी तो मैंने पीछे लाइट लगाई है पर लाइट ने बहुत ज्यादा दिक्कत कर दी, जैसे ही मैंने इस लाइट के कनेक्शंस वगैरह किए तो इस लाइट ने भाई पूरी की पूरी बैटरी चूस ली तो सेल्फ भी नहीं लग रहा था तो मेरा तो भाई दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया बबुआ, तो फिर मैंने इस लाइट को हटा के अलग कर दिया। मैंने कहा तुम जाओ तेल लेने, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमें लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। जो अपने लाइट लगाई थी वो कुछ गलत बात हो गया, कुछ लफड़ा हो गया तो उसने पूरी की पूरी इसकी बैटरी पी ली है 5 मिनट में, तो अब इसको धक्का प्लेट हो गया है, इसको धक्के से चालू करना पड़ेगा तो उस ट्रैक्टर से खींचते हैं हॉलैंड से, हैंग मोड़ उसके आगे खड़ा था चालू हो पाया है बड़ी मुश्किल से। तो भाई इसके बैटरी डिस्चार्ज होने के चक्कर में अपन बहुत बेकार तरीके से फंस गए थे, पंजा फंसाया था, मैंने लिफ्ट उठा दी और ऐसी जगह पर खड़ा था थैंग मोड़ की जो 47-10 है वो आगे था इस ट्रैक्टर के, बनना भाई लफड़ा हो जाते, रिवर्स तो होता नहीं अपन पे, आगे भी नहीं खींचता क्योंकि कल्टीवेटर नीचे रखा था तो डैडी को जगाना पड़ गया क्योंकि डैडी आते में बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। जो अपना रीपर वाला ट्रैक्टर है उसके मतलब दोनों टायर एक साथ पंचर हो गए थे आगे वाले तो उसमें दिक्कत गई, और जो अपना प्लाऊ है उसकी जो कुर्सियाँ रहती है वो टूट गई थी तो वो उसके चक्कर में आज बहुत परेशान थे, तो कुछ जल्दी रेस्ट पर चले गए थे, रेस्ट करने लगे थे तो दिक्कत हो गई, ये ट्रैक्टर चालू नहीं हो रहा था तो मैंने फिर उनको बुलाया, उनने इसको चालू करवाया और आओ अपन चलते हैं रेस्ट को। तो भाई रात के ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं जब जाके अपन अपना काम शुरू कर रहे हैं, 10 बजे काम शुरू कर रहे हैं तो पता नहीं अब कितने बजे अपन फ्री होंगे। तो थोड़ा सा कल्टीवेटर अभी मैंने इस बड़े वाले खेत में चला के देखा तो इसमें ही बहुत बढ़िया कल्टीवेटर चल रहा है, तो भाई करते हैं काम शुरू, तो इस खेत को निपटाना है, निपटा देंगे जितना भी टाइम लगेगा, लग जाए तो नो प्रॉब्लम। तो फिलहाल अपन इसको चला रहे हैं लोग चौथे में ठीक ठाक
स्पीड लेके चल रहा है। वैसे हाई के पहले में क्या हाई के दूसरे में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अभी मैंने हाई के पहले में भी चला के देखा था, और हाई के पहले में इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि अपन को चाहिए कि अच्छी गहराई लेके चले। अच्छी गहराई लेने से क्या फ़ायदा होगा कि जब अपन रोटावेटर चलाएंगे तो ये जो नरवाई है ये अच्छी तरीके से बारीक हो जाएगी। अगर अपन ऊपर ऊपर बखंडी कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलो मैं आपको हाई के पहले में भी चला के दिखा देता हूँ, और चलने को तो हाई के पहले में भी चल जाएगा और हाई के दूसरे में भी चल जाएगा, लेकिन अपन को चाहिए कि अच्छी तरीके से काम हो। देखो कोई दिक्कत नहीं, इसको गहराई उतनी है और उससे कुछ ज़्यादा ही गहराई लेके चल रहा है। बताओ तो फिर हाई के पहले में चलाया जाए या फिर लोगे चौथे में? चलने को तो दूसरे में भी चल जाएगा, पर अपन को ऐसा करना नहीं है। तो बस भाई अपन इतना ही कल्टीवेट कर पाएंगे क्योंकि बाकी में गेहूं के बंडल डले हुए हैं और बैक लाइट नहीं है, तो मैं इंडिकेटर से काम चला रहा हूं। इंडिकेटर एक साइड के जला लिया, बैक लाइट है तो, लेकिन इसमें कुछ बड़बड़ कर दिया है अपन ने।